1990 में रिलीज हुई अमिताभ बच्चन की फिल्म अग्निपथ, जो उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में 10वें स्थान पर रही थी, फिर भी फ्लॉप ही मानी गई। कारण था इसका भारी भरकम बजट। मुकुल आनंद द्वारा बनाई इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने गैंगस्टर का रोल किया था। इस फिल्म का नाम अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता अग्निपथ से लिया गया था और फिल्म में इस कविता की कुछ लाइनों का इस्तेमाल भी किया गया था। इसका डायलॉग हर किसी की जुबान पर चढ़ गया था, जिसे देखो वही विजय दीनानाथ चौहान की रट लगाए हुए था। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ खास बातों के बारे में, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ के गालों में रुई भर दी जाती थी ताकि वो पिचके हुए ना लगे और आवाज़ भी थोड़ी अलग निकले। ऐसा ही कुछ मार्लन ब्रांडो के साथ भी किया गया था जब वो हॉलीवुड फिल्म गॉडफादर की शूटिंग कर रहे थे। गॉडफादर में तो ये तकरीबन काम कर गई, पर अमिताभ को लोगों ने इस फिल्म में कुछ खास पसंद नहीं किया था। फिल्म के एक सीन में अमिताभ के किरदार को माँ द्वारा घर से निकाल दिए जाने के बाद दुखी विजय को फिल्म की हीरोइन माधवी के साथ बेड सीन करना था और अमिताभ उस सीन को करने में सहज नहीं थे। इस बारे में उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर मुकुल आनंद से बात की और उस सीन को फिल्म से निकाल दिया। वैसे तो टीनू आनंद और अमिताभ एक ही उम्र के हैं, मगर इस फिल्म में टीनू का किरदार अमिताभ से बड़े उम्र का है और उसे वैसा ही दिखाने के लिए टीनू को अपना सर मुड़ाना पड़ा था। वैसे तो एक्टर डायरेक्टर के तौर पर दोनों ने शहनशाह, मैं आजाद हूँ और कालिया में एक साथ काम किया था, पर साथ में एक्टिंग करने का मौका दोनों को पहली बार अग्निपथ में ही मिला था। इस फिल्म में विलन के नाम पर काफी चर्चा हो रही थी, पर कोई सही नाम सूझ नहीं रहा था। ऐसे में फिल्म में विलन का किरदार निभा रहे डैनी के कई नाम सुझाए, जिनमें से फिल्म के डायरेक्टर मुकुल को कांचा चीना नाम बेहद पसंद आया और उसे फाइनल कर दिया गया था। फिल्म में कृष्णन अय्यर का किरदार मिथुन की असल जिंदगी के एक मित्र से प्रेरित था, जो कभी मिथुन का रूममेट हुआ करता था। ये बात उन दिनों की है जब मिथुन इतने बड़े स्टार नहीं थे और किराए के कमरे में रहते थे। उसी रूम में एक और लड़का रहता था जिसका नाम देवियो था। वो कमरे के किराए में 150 रुपये और मिथुन 75 रुपये दिया करते थे। उस रूम में एक ही बिस्तर था जिस पर देवियो सोया करता था और मिथुन जमीन पर सोते थे। इस फिल्म में पहली बार अमिताभ और डैनी ने एक साथ काम किया था। हालांकि दोनों को साथ काम करने का ऑफर शोले और कुली में भी मिला था, लेकिन बात नहीं बन पाई। दोनों ने अपने करियर तकरीबन एक साथ ही शुरू किए थे, लेकिन उन्हें साथ काम करने के लिए काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ा। हालांकि डैनी और मुकुल पहले भी कानून क्या करेगा और एतबार जैसी फिल्मों में साथ में काम कर चुके थे। दीपक सिर के अवतार गिल, डैनी शब ने फिल्म में अमिताभ से बड़े उम्र का किरदार अदा किया है। हालांकि असल जिंदगी में ये सारे हम उम्र हैं या अमिताभ से छोटे हैं। फिल्म में अमिताभ की मां का रोल करने वाली अभिनेत्री रोहिणी हटंगड़ी खुद अमिताभ से उम्र में काफी छोटी हैं। फिल्म में आलोक नाथ द्वारा निभाया गया मास्टर दीनानाथ का किरदार 1972 में आई फिल्म पिंजरा में श्रीराम लागू के निभाए गए किरदार मास्टर श्रीधर पंत से प्रेरित था। जुम्मा चुम्मा दे दे गाना पहले इसी फिल्म के लिए तैयार किया गया था, मगर डायरेक्टर को लगा कि ये गाना विजय के किरदार पर सूट नहीं करेगा, तो उन्होंने फिल्म में जुम्मा की जगह अली बाबा गाने को फिल्म में फिट कर दिया। अमिताभ के ही फिल्म हम में इस्तेमाल किया गया था। इस फिल्म में कई हॉलीवुड गानों का इस्तेमाल किया गया था, जैसे ग्लेन फ्रे का गाना यू बिलोंग टू द सिटी को रिक्रिएट करके फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक में इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा मोरी कोंटे का गाना ये के को भी उस सीन में इस्तेमाल किया गया है जहाँ अमिताभ का किरदार डैनी के किरदार से मिलता है। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? पसंद आए इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।